हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 हम पढ़ रहे थे अध्याय 13 जिसका नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आकृतियां। गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9 में अध्याय 13 पढ़ रहे थे हम जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और शेप्स देखिए बहुत सारे हैं इसमें। आकृति पहला है, आकृति का नाम है आयत, रेक्टेंगल। जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती और प्रत्येक कोण 90 अंश का समकोण होता है आयत कहलाता है। ठीक, प्रत्येक भुजा में जो कोण होता है वो 90 अंश का होगा, ये आयत होगा। फिर है घनाभ, जिस आकृति का प्रत्येक फलक आयताकार हो और तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो तो वह आकार घनाभ कहलाता है। तो प्रत्येक फलक क्या है? आयत। किसी शेप का फलक है, ठीक है, यह आयताकार है। फिर वर्ग, किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तो चारों कोण समकोण है। ठीक, समकोण मतलब ये 90 अंश का होना चाहिए भी। और चारों कोण क्या कहलाएगा? फिर घन, त्रिआयामी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई समान होती है घन कहलाता है। मतलब लंबाई, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें क्या हो, क्या हो, सेम, ये क्या कहलाता है? अगले शेप देखते हैं, आकृति। और आकृति का नाम है आकृति की क्या पहचान। तो ये वाला है पहला त्रिभुज, ट्रायंगल, तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में नाम होता है ए बी और शंकु। ट्रायंगल किसी समकोण वस्तु को समकोण बनाने वाली भुजा के विपरीत परिधि घुमाने पर बनी आकृति शंकु कहलाती है, जिसमें शंकु की क्या होती है? त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है। वृत्त, सर्किल, वह क्षेत्र जो ऐसी रेखा से घिरा हो जिसका प्रत्येक बिंदु क्षेत्र के मध्य बिंदु से समान अंतर पर हो, वृत्त कहलाता है। किसी समतल में बहुत सारे जो बिंदु हैं उसका जो सेट होता है, समुच्चय होता है, किसी एक लंबाई के तहत उसकी एक सीमा होती है, उसको क्या कहते हैं हम? वृत्त। एक गोला वह ठोस जिसमें केवल एक तल हो और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, गोला कहलाता है। बच्चों ये शेप पढ़े आपने। देखिए अब अगला शेप है घन का। घन में तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई L B N H क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं, सेम होते हैं। घनाभ में लंबाई L, विड्थ चौड़ाई और हाइट क्या होता है? ये अलग अलग रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। ठीक, ये हो गए। इसी प्रकार दूसरा शेप देखें। शेप को क्या है, दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो एक जैसी होगी। ठीक, इसी प्रकार घनाभ में भी क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो एक जैसी होगी। अब देखिए पहला आता है घनाभ क्यूबॉइड का आयतन। आयतन की आप करेंगे तो एल बी और एच होगा। ठीक, घन मात्र जहाँ L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई होती। दूसरा आता है फॉर्मूला घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 × क्योंकि घनाभ जो है दो आयत से मिलके क्या है, बना है। ठीक है, तो जो दो आयत हम लेंगे इस प्रकार से, दो आयत तो कैसे लिखेंगे, 2 × एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, टाइम्स होगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तीसरा फॉर्मूला आता है घनाभ की तिर्यक ऊंचाई, कर्ण बराबर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूले हुए घनाभ के। दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे घन के लिए, तो मान लिया घन की लंबाई या एक भुजा क्या है, ए है। तो बच्चों आपको बता दिया है कि घन में क्या होता है कि वर्ग की आयत का दो वर्ग लेते तो घन बनेगा। ठीक,
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर क्या होगी ए की घात तीन। अब घर का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 6a² वर्ग। अगला घन की तिरक ऊंचाई कर्ण बराबर कर्णी 3 × a मात्र। आइए इसके सवाल हल करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैरी अपने क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है, वह इस वृक्ष को लकड़ी के घनावा का बॉक्स में रखना चाहती है, इसे सांता क्लॉस के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका चाहिए, तो इसके लिए उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। यदि उपयुक्त बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, उसे 40 सेंटीमीटर भुजा की वाली कागज की कितनी वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी। अब हल में बॉक्स की लंबाई दी गई है एल बराबर 80 सेंटीमीटर, बॉक्स की चौड़ाई बी बराबर दी गई है 40 सेंटीमीटर और बॉक्स की ऊंचाई एच हाइट 20 सेंटीमीटर। अब बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला नहीं है 2lb + bh + hl, तो फॉर्मूले में इस संख्या को पुट करेंगे तो l इंटू बी 80 × 40 प्लस बी इंटू एच 40 × 20 प्लस एच इंटू एल 20 × 80। अब गुणा करेंगे तो 80 × 40 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3240, 40 × 20 करेंगे तो 800 और 80 × 20 करेंगे तो 1600। तीनों संख्याओं को क्या करेंगे जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी 5600 × 2 का यहाँ गुणा है, 2 में संख्या का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11200 सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका क्वेश्चन पूछा गया है कागज की प्रत्येक वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा दी गई थी 40, तो 40 का स्क्वायर 40 × 40 होता है, तो 40 × 40 का गुणा करो, इजी है 2 × 0 4 × 4 रखना हो गया 1600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब वांछित शीटों की संख्या बराबर है बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाय एक शीट का क्षेत्रफल, ठीक, तो बॉक्स का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं 11200 और एक शीट का आ गया 1600। सॉल्व करेंगे इसको 2 0 और 2 0 अंश और भाग के कैंसिल करेंगे तो संख्या आएगी 112/16, ठीक है, 16 में 112 से भागित करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 7, ठीक, तो अतः मैरी को कागज की 7 शीटों की आवश्यकता। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है, इस डिब्बे के पेंट से 12.5 सेंटीमीटर × 10 × 7.5 सेंटीमीटर बिना वाली कितनी ईटे पेंट की जा सकती है। अब स्टूडेंट देखिए पहचान क्या है कि इसमें घनाभ का फॉर्मूला है या घन का, तो घनाभ में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती अलग अलग, ठीक, तो ये सवाल है घनाभ से संबंधित, ठीक, तो दिया है एक ईंट की बीमाएं 5.5, 10 और 7.5 है। अब इसका क्षेत्रफल 9.375 मीटर² है, एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू फिर से फॉर्मूले में आएंगे 2lb + bh + hl, ठीक, यह होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूले में पुट करेंगे मान, तो इन मानों को तो सॉल्व करेंगे तो पहले सवाल की तरह है तो 9.75 सेंटीमीटर² का जो है क्षेत्रफल आएगा। अब ईंटों की संख्या इज इक्वल टू डिब्बे द्वारा कुल पेंट किया जाने वाला एरिया, एरिया हमने ज्ञात किया है ना, डिवाइडेड बाय एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें दिया गया है एक ईंट का जो दिया गया है कितना है कि 9.375, इसको हल किया है ये आ जाएगा 9.375। अब इसको सॉल्व करेंगे दशमलव से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9000 आ जाएगा
93,750 डिवाइड बाय 9,375 दशमलव के हल करने के बाद अब इस संख्या को सेम संख्या है, एक जीरो है, इसका मतलब इसका कितना हो गया ये 100। ठीक, तो ये हो जाएगी 100 70। एक छोटा पौधादार ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया। यह पौधादार 30 सेंटीमीटर लंबा, देखिए क्वेश्चन यहीं से शुरू, लंबा मतलब लंबाई, 25 सेंटीमीटर चौड़ाई बी और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी एच है। अब पहला इसमें क्वेश्चन ज्ञात करना है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल। दूसरा, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, ये मेन पॉइंट हेडलाइन। अब पहला हल करते हैं, पौधागार की लंबाई 30, चौड़ाई 25, एल और बी। अब पौधा घन बराबर ग्रीन हाउस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों पहले जैसे, एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल का सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, ये संख्या प्राप्त होगी, दो में इसका फिर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4,250 वर्ग सेंटीमीटर। अतः पौधा है बनाने में प्रयुक्त कांच का क्षेत्रफल, एरिया निकाला है इसने, ठीक दिया जाए। अब सेकंड सॉल्व करते हैं, 12 किनारों में 4 लंबाई, 4 चौड़ाइयां और 4 ऊंचाइयां होती हैं। लंबाइयां मतलब होता है एल, बी और एच। अब सभी किनारों की माप, सभी किनारों की माप का फॉर्मूला होगा कैसा, 4 इंटू लंबाई घन चौड़ाई घन ऊंचाई, ठीक, 4 इंटू 30, 25 और 25, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा 80, 80 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। अतः आवश्यक टेप की लंबाई 320 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, तो आज जो दो सवाल इम्पोर्टेंट वाले क्षेत्रफल से संबंधित आपने सीखे समझे और शेपों को समझा, उनको आपकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, आपको कॉपी में नोट करना है और परीक्षा की तैयारी करनी है।